टीआरपी स्कैम में अब कांग्रेस ने एंट्री मारी है, मतलब टीवी चैनल्स के इस घोटाले में अब खुलकर सियासत होगी। हालांकि इस मामले में पहले दिन से ही सियासत शुरू हो गई थी, जब मुंबई के डीजीपी परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी का नाम बार बार लिया, लेकिन एफआईआर में दर्ज इंडिया टुडे ग्रुप का नाम हजम कर गए। बाद में पता चला कि जिस रिपब्लिक टीवी का नाम परमवीर सिंह ले रहे थे, एफआईआर में उसका नाम है ही नहीं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का बड़बोला नेता संजय राउत सोची समझी चुप्पी साधे हुए है। शरद पवार भी खामोश है, लेकिन कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति सक्रिय हो गई है। समिति ने इस मुद्दे पर गौर करने का फैसला किया है। हाल ही में पंजाब दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे मीडिया दे दो, संस्थाएं दे दो, तो मोदी सरकार चली जाएगी। मतलब जिस किस्म की मीडिया की बात राहुल गांधी कर रहे थे, कांग्रेस इस टीआरपी स्कैम के बहाने उसी कोशिश में जुट गई है। वैसे भी कांग्रेस रिपब्लिक टीवी से ज्यादा फूकी हुई है। पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर करवाने की मुहिम चलाई थी और उनके खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मामला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि थरूर ने इस मामले में समिति के सामने पेश होने के लिए अधिकारियों को तलब भी कर लिया है। कांग्रेस सांसद और इस समिति के सदस्य कार्तिक चिदम्बरम ने थरूर से आग्रह किया था कि इस मामले पर विचार हो। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने और उनकी ओर से उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में जानने के लिए समिति के समक्ष बुलाया जाए। सूत्रों ने बताया कि टीआरपी में छेड़छाड़ संबंधी खबरों को लेकर समिति गंभीर है और इस पर विस्तार से चर्चा करेगी। कार्तिक चिदम्बरम ने थरूर को लिखे पत्र में कहा कि इसी व्यवस्था के आधार पर सरकार के विज्ञापनों का खर्च निर्धारित होता है और ऐसे में गलत आंकड़ों के आधार पर जनता का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। टीआरपी के माध्यम से ये तय होता है कि कौन सा चैनल अथवा कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कार्ती ने इस मामले पर समिति द्वारा गौर किए जाने की मांग उस वक्त उठाई है जब बृहस्पतिवार को मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि उसने टीआरपी में छेड़छाड़ के गिरोह का भंडाफोड़ किया। पत्र में कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस हालात को देखते हुए आगे चर्चा किए जाने की जरूरत है, समिति को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए। बार्क अपनी शिकायत में रिपब्लिक टीवी का नहीं बल्कि इंडिया टुडे का नाम ले रहा है। मुंबई पुलिस की जांच में दिलचस्प खुलासे हुए हैं। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक समेत 3 न्यूज चैनल्स पर टीआरपी स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं बल्कि इंडिया टुडे और दूसरे चैनल्स का नाम है। इस मामले में एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्य चश्मदीद तेजल सोनाली का साफ कहना था कि उसके बेटे को टीआरपी में बदलाव के लिए इंडिया टुडे से रुपए मिलते थे। जब से रिपब्लिक टीवी ने वर्षों से नंबर वन पर कायम इंडिया टुडे आज तक को कुर्सी से बेदखल किया है, तब से इंडिया टुडे वाले रिपब्लिक टीवी को नीचा दिखाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।